नमस्कार, जोहार दोस्तों आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे और आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी आप सबको पता है अभी कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा अभी फैल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना मास्क वगैरह लगा करके थोड़ा सा हम सभी बचने का कोशिश करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा सा पालन करेंगे। आइए मैं आप सबों को आगे लेकर के चलता हूँ क्लास की ओर। जैसा कि मैं आप सबों को इससे पहले वाले क्लास में बताया था, डीसीए का फुल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दिया था कि उसमें क्या क्या हम सभी को पढ़ना है, और उसके साथ साथ दूसरे वाले क्लास में मैंने बताया था कि डीसीए का जो कोर्स हम सभी स्टार्ट करते हैं, तो कोर्स स्टार्ट करते हैं तो डीसीए में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डीसीए में आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपको पढ़ना है। लेकिन उसके बाद वाले क्लास में मैंने आपको बताया कि आपको एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को पढ़ने से पहले भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं, बेसिक एप्लीकेशन जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से रहते हैं, जिसको भी हम सभी को पढ़ना पड़ता है, जिसमें मैंने आपको बताया था नोट पैड, पेंटिंग ब्रश और एक था वर्ड पैड, जिसमें आज हम सभी बात करेंगे पेंट ब्रश के बारे में। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि हम सभी डीसीए कोर्स को स्टार्ट करने से पहले पेंट ब्रश के बारे में अच्छे से जानेंगे और पेंट ब्रश के साथ साथ नोट पैड के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। जब नोट पैड कंप्लीट हो जाएगा तो वर्ड पैड के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। तो आज मैं बात करता हूँ पेंट ब्रश के बारे में कि पेंट ब्रश होता क्या है। क्योंकि मान लीजिए आप सभी आज अगर पढ़ना अगर सीखे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सभी डायरेक्टली पढ़ना सीखे हैं। आप सभी थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह करके फिर हम लोग बनाना सीखे हैं, तब जाके फिर लिखना सीखे हैं, तब जाके आज हम सभी इतना आगे कर पाए हैं सारा में सारा कुछ। आज मैं बात करता हूं पेंट ब्रश का। पेंट ब्रश एमएस ऑफिस का ही ये भी एक पार्ट्स होता है, जिसमें बहुत सारे पेंटिंग वगैरह हम लोग बनाते हैं, और ये आपका ऑलरेडी कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल रहता है एप्लीकेशन, और इसको सीखना भी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि पेंट ब्रश जब हम सभी अगर चलाना अगर सीखते हैं तो पेंट ब्रश में माउस का भी हम सबों का हैबिट हो जाता है चलाने के लिए। इसमें हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा कुछ डिजाइनिंग बनाने का, जैसे मान लीजिए पेंट में कुछ कुछ डिजाइनिंग बना दिए, डिजाइनिंग के साथ साथ कुछ कार्टून वगैरह कुछ हम लोग बना लिए, और भी बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जैसे बहुत सारे शेप वगैरह का प्रयोग होता है पेंट ब्रश में। उन सब चीज का जब हम सभी अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप सभी अगर ध्यान अगर देंगे या फिर आपको अगर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि पेंट ब्रश में 90% यूजेज माउस का होता है। आप जब अगर पेंट ब्रश का चलाना अगर सीखते हैं तो पेंटिंग में आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है किस तरह से आप माउस का हैबिट करते हैं। तो इसलिए हम सभी पेंट ब्रश को हम सभी पढ़ते हैं दोस्तों। और मैं आप सबों को बता देता हूँ पेंट ब्रश है क्या। पेंट ब्रश एक ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम सभी बेसिकल कुछ कुछ डिजाइनिंग, कुछ ग्राफिक्स का काम हम सभी करते हैं। और ग्राफिक्स में जैसे आ जाएगा आपका, मान लीजिए कुछ कार्टून वगैरह बनाए, कुछ घर वगैरह बनाए, और या फिर और भी बहुत सारे डिजाइनिंग करते हैं, बहुत सारे फोटो वगैरह का भी एडिटिंग वगैरह करते हैं जो बाद में आपको महत्वपूर्ण होगा। और इससे हम लोग का 90% कंप्लीट हो जाता है माउस चलाना। क्योंकि आप जब कंप्यूटर सीखते हैं तो आपका बेसिक होता है कि आप माउस कैसे चलाएं, माउस चलाने के साथ साथ किस तरह से आप उससे पेंटिंग बनाइएगा, माउस पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप पेंट ब्रश सीखते हैं तो पेंट ब्रश में आपका माउस चलाने का बिल्कुल हैबिट हो जाता है। तो आज हम सभी देखेंगे, मैं आप सबको एक बार बता देता हूँ पेंट ब्रश का डेफिनेशन क्या होता है। अगर आप सभी अगर चाहेंगे तो नोट्स भी कर सकते हैं पेंट ब्रश का डेफिनेशन क्या है। तो हम सभी इसको बिल्कुल साफ साफ कोशिश करेंगे बिल्कुल हिंदी भाषा में साफ साफ इसको लिखने का, ताकि पता चले कि पेंट ब्रश है क्या। हम सभी लिखते हैं इसको, पेंट ब्रश एक एप्लीकेशन है जिसमें हम माउस चलाने का हैबिट बनाते हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे डिजाइन भी तैयार करते हैं,
जैसे जैसे घर बनाना, कार्टून तैयार करना, कार्टून तैयार करना इत्यादि। जब अगर आप ये सभी का कंप्लीट करते हैं तो आपका बिल्कुल माउस का जो होता है 90% आपका हैबिट हो जाता है पेंट ब्रश में चलाने के लिए, तब जाके आपको फिर आगे माउस में आपका कंट्रोल रह पाता है। चलिए अब मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि ये जैसे, चूंकि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम लोग पेंट ब्रश में बहुत सारे डिजाइन बनाते हैं, जैसे उसमें घर बनाना है या फिर तो कार्टून तैयार करना है, ये सब तो बहुत सारे चीज होते ही है प्रयोग, लेकिन और साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को तो प्रोजेक्टर के माध्यम से इसको करना पड़ेगा, जो अब मैं आप सबों को बताने जा रहा हूँ प्रोजेक्टर के माध्यम से कि कैसे हम लोग पेंट ब्रश को एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और कैसे हम सभी उसमें जो टैग होते हैं और उसमें जो कमांड होते हैं कैसे उसका हम सभी काम करेंगे। तो चलिए आइए अब हम सभी देखते हैं इस वीडियो में प्रोजेक्टर के माध्यम से हम सभी देखेंगे अब कि किस तरह से आप सभी पेंटिंग का यूज करिएगा, पेंट ब्रश का यूज कैसे करेंगे, माउस चलाने का कैसे हम लोग हैबिट करते हैं। आइए देखते हैं हम सभी।